नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताना जा रही हूँ कि कैसे आप पानी पिलाकर कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में और पा सकते हैं अपना मनचाहा जीवन साथी। जी हाँ, अगर आप करना चाहते हैं मनचाही शादी, लव मैरिज, जी हाँ, तो आप अपने घर वालों को कैसे मना सकते हैं, आप अपने जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके घर वालों को कैसे मना सकते हैं, यहाँ तक कि जो लड़की है या जो लड़का है जो कि शादी के लिए राजी नहीं है और उसे आपसे मनचाही शादी करने में डर लग रहा है, परिवार का डर, समाज का डर, तो आप उसे मना सकते हैं मात्र एक ग्लास पानी पिलाकर। इस पानी को आपको अभिमंत्रित करना होगा जिससे कि वो आपकी हर बात को मान ले, आपके वश में आ जाए, और उसके बाद जब आप उसे पानी पिलाएंगे तो वो आपके हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। तो आपको इसको करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक लौंग लेनी है और उस लौंग को आपको अभिमंत्रित कर देना है। लौंग को अभिमंत्रित करने के बाद आपको उस लौंग को इस पानी में डाल देना है। इस पानी में डालते ही आपको पानी को रखना है करीब एक रात के लिए, और उसके बाद आपको वो जो लौंग है जब पानी में आप डालेंगे उसके बाद एक रात के लिए आपको इस पानी को ऐसे ही रखे रहने देना है। अगली सुबह आपको ये पानी पिलाना है। आप इसे अपने माता पिता को पिला सकते हैं या फिर आप उस लड़की के माता पिता को भी ये पानी पिला सकते हैं, या फिर आप अपनी जो भी आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है उन्हें भी ये पानी पिला सकते हैं जिससे कि वो आपकी शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र बहुत ही आसान है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शिभे नमो भनवली मम समृद्धियो ज्वाला मा सर्व संपदा देही मा लक्ष्मी नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको, और इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही आपको उस लौंग को पूरी तरह से अभिमंत्रित कर देना है जिससे कि जब आप ये लौंग किसी को भी इसका पानी जब पिलाएंगे तो इस पानी को पीते ही वो आपके वश में आ जाएंगे। मैं इस मंत्र को आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। तो दोस्तों ये मंत्र है ओम ओम ह्रीम श्रीम श्रीभे श्रीभे नमो भनवली मम समृद्धियो ज्वल मा सर्व संपदा देही मा लक्ष्मी नाश्यम नाश्यम हुम फट स्वाहा। तो दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 108 बार, और उसके बाद लौंग पर फूंकना है और लौंग को पानी में डालकर 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस मंत्र को आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, और इस मंत्र का ही आपको उच्चारण करना होगा। इसके बाद आप जब इस पानी को किसी को भी पिलाएंगे तो वो आपके वश में होगा। तो आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और आपकी समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।